असलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आज चना ब्लॉग बना रहे हैं तो बाहर जाने का प्रोग्राम इस कभी कभी बंदे ने थोड़ी जी बाहर की हवा भी ले लेनी चाहिए। घर भी डेली रूटीन काम ही नहीं खत्म होंगे है, जिन्ना मर्जी घर वाले ने अच्छे तो अच्छे पका के खवाई जाओ ना, है ना। फिर भी ना उन्होंने कहना भी की किया, सारा दिन पाकिस्तानी औरतें काम कर करके थक जा मचाले, कोई एक लफज भी भी कह दे मतलब तारीफ तक कर दे या कोई बंद की हिम्मत ही बढ़ा दे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी यही लफज सुनने अक्सर मिलते भी की किया भी सौ काम घर में होंगे, पूरा घर मैनेज करना संभालना कोई कम हों। असी अच्छ मटर बना रहे हैं चना पुलाव, तो काफ़ी सारा चना पुलाव खुला बना रहे, खुद भी खाना तो तुम किसी वास्ते भी लैके जाना है। सुबह तो मैं उठी से मशीन लगाई कपड़े धोते, मैं फिर ना वापस आके काम करना मुश्किल हो जाता है, तो इस वास्ते कपड़े वगैरह धो के फिर किचन में आके चने बनाना शुरू करते। चने रात में मैं भिगो दिए थे, तो फिर उस बाद चावल रख दिए थे भिगो के, तो नाल फिर दूसरे काम भी समेटती रही काफ़ी। हम 9:30 बजे तक ना तकरीबन कपड़े धुल चुके तारते, नाल पुलाव बना रही हूँ। तो हम पिछे थोड़ा जहा कुछ काम बाकी रह गया, तो असल साहब कह रहे थे भी जो तैयार हो गए तो उस टाइम दस दौ मैनू, तो फिर ना मैं आ जाऊँगा। सहेल साहब जाके हुए थे तो अंकल देखने, तो आते हुए कहने से मैं ना गाड़ी ले आऊँगा तो फिर थोड़ा लैके चलो जाऊँगा। मैं चलो मेहरबानी, बड़ा बड़ा थोड़ा शुक्रिया तुम लै जाओगे, तो यह तो होर वी की हो गल हो। सी कपड़े धुल गए हुए, तो मैं लास्कट पा रही शलवार में, तो चावलों ना दमती लगा दिता हो, काम सारे खुद ही किए है, तो ना कि बंदा खुद ना आप प्लेटा शलेटा जो जी भी चीज़ लैके नाल जानी वो भी धो के रख लेंगे, उन्होंने पैक करी जल्दी जल्दी कोई चीज़ रहना चाहिए। पानी का कूलर भी करो। सेल साहब इस तरह आकड़ के बैठ जाए तो मजाल के बंद हाथ लवा दे कोई काम कर ले कपड़े, मैं इस तरफ ना तार तो तार के इतने रख चली हूँ, बार आके वापसी तो आके फिर इन्होंने जगह पर रखा कि हूँ मैं जरा तो थोड़ा जहाँ ना कि कहते होंगे आह बड़ा सूट पहन के जाना नहा धोल। हाँ जी चावल बन गए सी, फिर मैं नीचे ले आई सी, नीचे आके ना हाँ एक दफा मैं थोड़े जे चावल अबू वास्ते घर रख जाते हैं, तो बाकी सब अपने नाल ले जाने सारे। देखो माशाल्लाह अच्छे बन गए, सोने बन गए चावल भी है ना, तो बाकी बच्चे तकरीबन कुछ तैयार हो गए, तो कोई एक दो रह भी गए है ना, वो बिल्कुल इस तरह बैठ जाते चार पैदे सीधे हो गए, बस सारे काम तुम्हें करने, बच्चों ने भी तैयार करना, बाकी सारी हर चीज़ तुम्हें करनी। इस तरह लगता जो ना गाड़ी वाला ड्राइवर से किराए से लैके आया हों, सूरत हाल होंगी। तो चावल बुआ से थोड़े निकाल लेंगे, अगर किसी ने दोबारा वापस आके खाने हुए तो खा लेगा, बाकी नाल लै जाते हैं। अली हसन शानी तैयार भी हो गए, तो हमसाद मेरे को ही खड़ा होया, तो अक्सर ने असं किया चलो तुम भी सा चल थोड़ी देर वास्ते जाना, कूलर से पानी बना लिया से, मैं कूलर बच्चे गर्मी है बार बार प्यास लगती बोतल में पानी कम हों, तो फिर ना चलो बड़ा कूलर घर वाला जो पानी वाला वही नाल लै जाते हैं। हाँ जी इकला बंदा हो फिर थोड़ा जहा मुश्किल तो हो जाता है मैनेज करना, तो ना चलो काम हो ही जाते काम कभी रहे नहीं है, तो हम इस टाइम असं जा रहे हैं निकल ही रहे तकरीबन घरों, तो चावल पतीला वगैरह मैं रख के बैक साइड से बैठी हुई हूँ, बाकी बच्चे अम्मी अगे बैठे हुए लाइबा अगे हैगी है, इस जाते हुए फिर मेरी छोटी सिस्टर है उन भी नाल पिक कर लेंगे, रस्ते में वह घर आता है। हाँ देखो जी आ मेरे चावल पे, तो मेरा पतीला मैं पतीले तो चावलों के कोल बैठी हुई हूँ, खूब गर्मा गर्म सेक लै रही हूँ, इस टाइम से शेर बाहर निकलन डे हुए हैं, तो ना तकरीबन अज तो 2 दिन पहले बादल बड़े आए थे, तो मौसम थोड़ा जहा खुशगवार हो गया, लेकिन इस टाइम तो ठीक ठाक निकली हुई है। तो अक्सा भी आ गई हैगी मोहम्मद भी, तो अब्दुल राफी के बेटे दोनों, तो असी जा रहे हैं गाँव, गाँव जाके थोड़ा दसा कि भी असी ना की किस पास गाँव जा रहे थे, तो नाल असी सेम हाँ जी असी जाके चक मरबे उतर गए हुए, तो हाँ देखो जी हाँ जी गड्डी गई सारी रुक, तो हम सवारियाँ उतर रही हुई हैं, इस तरह गाड़ी रुक जाए तो सवार उतरनी बड़ी जल्दी होंगी, सेम साड़ी भी इस तरह की सिचुएशन है। हाँ जी मुरबे पहुँच गए, तो इस टाइम हाँ ना मुरबे से आप आ गए हुए हैं, ट्रैक्टर चल रहा होया, तो भी थोड़ा जहा गाने का महसूस कराते हैं। हाँ मेरे अब्बा जी का ट्यूबवैल जरा वीरान पिया हुआ इस टाइम उत्थे असी हाँ जी बैठ के हुए पतीला अपना रख लिया होया, तो बच्चे बड़े हवा चल रही है दरख्तों की, बड़ी सोहनी ठंडी हवा की कहते हैं चल रही, तो बड़ा ही मज़ा आन लिया होया।
हाँ साढ़ी जमीन बिल्कुल रोड के नाल आ जिते ज़्यादा काफ़ी सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं बिल्कुल रोड आ रोड तो नीचे उतर के बिल्कुल नाल ही मतलब पहला खेत साढ़े ही है समझो तो आओ देखो हम अब्दुल राफे का काम देख लो इन्ना तंग किया इन्ने अब्दुल राफे ने बहुत ही ज़्यादा इस टाइम बच्चे भुख लग गई चावल के मिल गए रोटी शोटी खुल गए हुए थे खूब मज़े कर रहे खा रहे हैं असं आ गए थे मतलब बैसिक पास चनाई होर इसे चावल बना के लैके आए थे उन्होंने भी देते हम इस टाइम अं खुद नोश फरमा रहे हैं सारी फैमिली तो इस तो बाद फिर असं गाँव जाना थोड़ी देर वास्ते वो भी तुम दिखावे असं गाँव के घर जाना है इस टाइम कव्वे खूब है पता नहीं हालांकि असं मरबे आए हुए फिर भी कव्वे पता चल गया कि खाण पीन वाला समान मौजूद है हाँ देखो किन्ने सारे कव्वे शहर का बहुत ही ज़्यादा आ गए है चावल खाने वास्ते मैं तो बड़ा होया सुन के भी किस तरह इन्होंने पता चल गया कि इतने खाने पीने वाली चीज़ा मौजूद है हाँ जी ट्रैक्टर वाले ने चावल लिते थे ट्रैक्टर सुबह तो वो ना खेत वहाई कर दिया हुआ है सुबह तो आया हुआ फिर वो वास्ते चावल भी लेके गए तो पानी ठंडा भी उन्होंने दिता है पीने वास्ते तो वो भी चावल खाने वास्ते तकरीबन खा चुके अक्सर चाय बना के लेके आए थे घरों कफ वगैरह से फिर चाय भी असी पीती हाँ देखे कुछ बच्चे ने सिर साहब चाय भी पी रहे नाल कमेंट भी पास कर रहे हुए रंग बिरंगे तो ना इस टाइम का कव्वे ने भी सू खूब सताया है तो बच्चे ने भी तंग किया काफ़ी ज़्यादा थक चुके दस्यो अज का व्लॉग अज की वीडियो थोड़ा किस तरह की लगी है असं हम चाय पी लिए बच्चे सारे पी लीए सिर्फ एक कप पीछे पीछे हो तो चलो मैं भी पी लवा इन्हें वो भी खत्म हो जाए तो मरबे आके बड़ा ही मज़ा आया बड़ा इंजॉय किया फिर अपनी जगह हो फिर बंद कोई किसी किस्म का होंगे नहीं कि कोई कुछ कहेगा तो आ हम इस टाइम असं बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं जाने की तैयारी कर रहे हैं बैग वापस हो सकता अं गाँव जाइए फिर वह अगली की वीडियो वो भी नज़र थोड़ा सारे शेयर करा तो सूँ इस इजाज़त दियो अल्लाह हाफिज़।